गुजारा और ये सारा सहरा इस कौम के सर है कि राजपूता में स्पीकर जो है ना 10 साल रहा है, पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और आप 3 दफा गवर्नर भी रहे हैं केयर टेकर, अब आपकी भरपूर तालियां में, वक्त कम है, तशरीफ लाएंगे, हमारी बरादरी का मान, हमारा सम्मान, हमारा फखर। इनके आने से पहले एक नारा लाना है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, राजपूत नाम, फखर राजपूत राणा इकबाल खां। तशरीफ लाते हैं राणा इकबाल खां। और जितने भी भाई भतीजे भांजे तमाम 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 हजरात को मैं दिल की अथाह कह रही हूँ कि आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज का सहारा लेता हूँ तो अल्फाज के मानी जो इसे बगावत करके भाग जाते हैं। मेरी तारीफें इन्होंने की है, मैं चावल नहीं हूँ, मैं आपका एक कारकुन हूँ, एक साथी हूँ, एक बुजुर्ग हूँ, एक आपका भाई हूँ और मुझे आपकी और इस सूबे की अवाम की खिदमत करने में अल्लाह ताला ने जो मेरी ड्यूटी मेरे जिम्मे आई थी मैं उसको पूरी तरह शायद निभा ना सका हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को लीडर कहता हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका खादम हूँ, आप मेरा कुनबा है। नबी पाक के जमाने से कुनबे चले आ रहे, हम सब पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हमारा एक कुनबा है, एक खानदान है जिसके हम सब यहाँ जितने भी साथी हैं हम सब उसके उस अपने रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो भाई मैं कोई लंबी चौड़ी सियासी तकरीर करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी याददाश्त की वजह से आपने मुझ नाचीज को यहाँ बुलाया तो मैं बहुत मजबूर भी था, बहुत ज़्यादा मजबूर भी था, लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से मेरे भाइयों ने मुझे उधर मिलने के लिए बुलाया है तो क्यों ना जाऊँगा, मैं क्यों ना नंगे पाँव चले जाऊँ। मैं मेरे बुजुर्ग भी इधर बैठे हुए हैं मास्टर साहब अंदाज से, ये हमारे मौसम हैं, बुजुर्ग हैं, इनको सारा पता है कि किस तरह पाकिस्तान बना। मैं तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करता था, मुझे कहते थे जो जिंदाबाद, बस मैं वो जिंदाबाद कहता था उस जमाने में जब ये पाकिस्तान आपका बना, मेरा और आपका पाकिस्तान, ये अल्लामा इकबाल के खाबों की तबीर वाला पाकिस्तान है और इसको हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस है कि जब वो अगले जहान हमसे पूछेगा कि मेरे पास दिए हुए पाकिस्तान के साथ आपने क्या किया, यकीन हमारे सर शर्म से शर्मिंदा होगा। हमने बाकी बचा खुचा जो पाकिस्तान है हम सब ने मिनहाजुल कौम इसकी खिदमत में अपनी अपनी जगह पर जहाँ कहीं भी हैं जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को अच्छे तरीके से करें और उसमें शाबाश हासिल करें, यही मेरा आपको पैगाम है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं बात क्या करूँ। ओ कब्बे और हंस की तो बात को बात का आपको पता होगा, दोस्ती जो थी उनकी और जिस तरह से जो कुछ हुआ वो कहते थे कि किसी और के लिए मैं नहीं कहता, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ये काम किया उस वक्त,
मैं तो मुझे इसकी सच्चाई का नहीं पता, लेकिन मैंने जो बुजुर्गों से सुना है कि लात मेरे दोस्ती और क्यों पछताया हंस, तेरा मात तबाशे बढ़ गए और गलियों में लुट गए पंख। भाई हम सबको इस पाकिस्तान की खिदमत में अपना अपना जहां कहीं भी है, इस पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए जो कुछ भी आप दुआ कर सकते हैं दुआ कर लें, काम भी कर सकते हैं तो अच्छा काम करो। मेरी आपसे यही इल्तिजा है। किधर गया हुआ जोगी? ओ अच्छा इकबाल सुनिए ना, सुनिए इकबाल, बस ठीक है, आप बाद में सुनाइए, मैं चला जाऊंगा फिर इन्होंने सारा में सुनाइए भाई, हाँ फिर सुनाइए बात अपनी। मैं तो बस सलाम करके भी मेरे निकलना है, मेरे पहुँचना है। आपको भी पता जो आजकल हालात जिस तरह से हैं और जो परेशानी हमें है, अल्लाह उस परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह ताला उनको सिद्ध काम में आजला का फरमाए। दुआ भी कीजिए और अल्लाह से नफरत पढ़ के दुआ कीजिए, जो सलमान नफरत पढ़ते हैं मैं उनसे अपील करूँगा कि उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सिद्ध काम में आजला का फरमाए। अपने जो मान में रखे और हम सबको इस मुल्क पाकिस्तान की सही मानों में खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली और इस्तेहकाम बख्शे अल्लाह ताला। और हम सब इसके इसके राजपूत कौमी वेलफेयर के जितने भी साथी हैं सर जी और चेयरमैन साहब भी, अब आप अपनी तारीफ मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं छोटा हूँ आपकी तारीफ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बस भाई जिनके सुमरत स्याणे हो जाए, पुरखा पड़ी कौन परवा, लड़ने मरने को उधर है किला तोड़।